हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये टोपी शेयर कर रही हूँ। ये न्यू बॉर्न बेबी से लेके 6 मंथ के बच्चे तक की टोपी है ये। और इसके साथ मैंने कुछ दिन पहले ये आपके साथ ये शेयर की थी, इसकी बूटी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और उसके पहले फ्रेंड्स, मैं इसकी ये कार्डिगन शेयर कर चुकी हूँ, जिसका ये एक साइड से मैंने बनाना बताया था। ये 2 कार्डिगन मैंने एक साथ शेयर किए थे आपके साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये टोपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस कैप को बनाने के लिए देखिए 9 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। ठीक है, इसको अब हमने पहली सिलाई जो है उसको इस तरह से सीधा सीधा बुनना है। सारे फंदे हमने इस तरीके से सीधे सीधे बुन लेने हैं। पहली सिलाई सीधी साइड से है। मैंने सिंगल धागे से इसमें ये फंदे जो हैं ये कास्ट ऑन किए हैं इसमें। तो अब हम इसकी दूसरी साइड पे हैं और ये रॉन्ग साइड पे हैं और दूसरी सिलाई में हैं। तो देखिए किस तरह से हमने इसको बनाना है। अब हम पहले फंदे को यहाँ पे करेंगे स्लिप, ऐसे उतार लेंगे और एक फंदा यहाँ पर सीधा बुन लेंगे। उसके बाद धागे को अपनी तरफ को करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक यहाँ पर ऐसे जाली डालेंगे इस तरीके से। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर एक फंदा और सीधा बुनते हुए और एक यहाँ पे जाली डालेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, यहाँ पर एक जाली और डालेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक इस तरीके से जाली डालेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक यहाँ पे जाली डालेंगे। और फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर एक जाली और डालेंगे और एक लास्ट वाला फंदा जो है इसको इस तरीके से ऐसे बुन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारी तीसरी सिलाई है और अब हम यहाँ पे आते हैं इसकी राइट साइड पे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे हमने अब ये सारी जितनी भी हमारी ये सिलाई है इसको हमने सबको ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है। सारे फंदों को, जो जाली का फंदा है उसको भी हमने ऐसे सीधा ही बुनना है। अब दोनों तरफ से हम इस तरह से ही बुनते जाएंगे क्योंकि हमने बीच की जो पर्ल की लाइनें हैं ना वही इसमें बनानी है। तो जाली के फंदे को भी हम यहाँ पे सीधा ही बुन लेंगे और जो दूसरे फंदे हैं सिंपल वाले उनको भी हम यहाँ पे सीधा ही बुन लेंगे। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने राइट साइड पे सारी सिलाई सीधी सीधी बुन ली। अब हम इस पहले फंदे को स्लिप करेंगे, इसकी उल्टी साइड पे आ गए हैं रॉन्ग साइड पे। तो यहाँ पर देखिए अब एक फंदा स्लिप किया, उसके बाद अब हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं इस तरह से। अब हमारे हमने यहाँ पे जाली डाली थी तो इसके ऊपर सेम हम फिर से यहाँ पे जाली डालेंगे। अब फिर से हम एक जाली डालेंगे और उसके बाद आगे 3 फंदे सीधे बुनेंगे। पहले हम 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे इस तरीके से। अब देखिए, एक तो हमने हर फंदे पे पिछली बार जाली डाली थी, अब हमने 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुन लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर से जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे उसके साथ। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। और लास्ट में एक फंदा हमने ऐस के लिए रखा है, वो जैसे हमने यहाँ पे एक स्लिप किया, 2 सीधे बुने, फिर जाली डाली, फिर 2 सीधे बुने, फिर जाली डाली, इसी तरह से एंड तक हमने इसको बनाना है। अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरी साइड पे। तो अब देखिएगा, अब हमने पहला फंदा स्लिप करना है, धागे को पीछे करना है और सारे फंदों को हमने सीधा सीधा यहाँ पे बुन लेना है इसी तरीके से। सारे फंदों को सीधा सीधा हम यहाँ पे बुन लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसकी राइट साइड पे आ गए और इसकी 7th रो में आ गए। देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक फंदा हमने स्लिप किया, उसके बाद धागे को हम पीछे करेंगे। अब हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं यहाँ पर, 1 2, यानी टोटल 3 फंदे हो गए। अब देखिए यहाँ पे जाली है ना नीचे, तो इसके ऊपर ही अब हम जाली डालेंगे आगे। फिर हम जाली डालते हुए
आगे तीन फंदे सीधे बुनेंगे, यानी यहाँ भी तीन फंदे हो गए ना, ऐसे ही हम आगे भी बुनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से दो हो गए और ये तीन। फिर हम यहाँ पे एक जाली और डालेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे बुनने के बाद एक जाली डलेगी अब यहाँ पे, दो तीन, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से एक जाली डली, तीन फंदे सीधे। अब फिर यहाँ पे एक जाली डालेंगे और तीन फंदे सीधे बुनेंगे। अब एक फिर से अपनी तरफ को करेंगे धागा, फिर से यहाँ पे जाली डालेंगे और तीन फंदे सीधे बुनेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर हम ऐसे ही बुनते बुनते फ्रेंड्स, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हो गई तीन जालियाँ। अब ये जो उल्टी साइड वाली सिलाई है बैक साइड की, नाइन्थ रो इसकी, एट सिलाइयाँ, सॉरी हाँ एट ख़त्म हो गई। अब हमने इनको सारे को सीधा सीधा बुन लेना है। ऐसे ही सब फंदों को, जो जालियां हैं उनको भी सीधा बुन लेना है और जो बिना जालियां के हैं उनको भी सीधा सीधा हमने यहाँ पे बुन लेना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमने यहाँ पे तीन जालियां बना ली, ठीक है। ऐसे ही हमने इसको बनाते बनाते आगे ये तीन जालियां डाली, सात जालियां हमने और डाली, यानी टोटल 10 जालियां डालनी हैं। और यहाँ पे फंदे हमारे बढ़ जाएंगे एक एक में, यहाँ पे देखिए 10-10 फंदे ऐसे शायद हो जाएंगे ये। तो इस तरीके से आप अब आगे बुन लीजिएगा और मैं भी बुन लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 जालियाँ हम टोटल कर लेंगे, उतना हम इसको बना लेते हैं सेम इसी तरीके से जैसे हम बनाते आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे अभी हमने तीन फंदे बुने थे, अब हम यहाँ पे चार फंदे बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर यहाँ पे चार फंदे बुनेंगे, फिर एक जाली डलेगी, फिर चार बुनेंगे, फिर एक जाली डलेगी। तो इसी तरह से ये जालियाँ हमारी डलती जाएंगी और यहाँ पे फंदे जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने 10 जालियाँ यहाँ पे डाल ली, 10 जालियाँ यहाँ पे डाल ली। इनको आप काउंट भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 जालियां हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई और यहाँ पर 10 फंदे ही यहाँ पर हमारे बढ़ के आए हैं। हर कली जो बनी है ना, ये जितनी कलियां यहाँ पे बन गई इनमें 10-10 फंदे हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। और टोटल हमारे जितने ये फंदे हैं ना, ये हमारे 76 फंदे यहाँ पे सिलाई पे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब देखिए हमने इनको कैसे बनाना है यहाँ पर। अब यहाँ पे हम फिर से, अब यहाँ पे हम कोई भी फंदा जो है ना यहाँ पर बढ़ाएंगे नहीं और ना ही घटाएंगे, और इनको हम पूरा ऐसे सीधा सीधा करके ही सारे फंदों को बुनेंगे इस तरह से। अब ये सिलाई सीधी बुनेंगे, तो ये पूरी सिलाई जो है इसको हम सीधा सीधा बुन लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए एक सिलाई हमने सीधी साइड से सीधी सीधी ऐसे बुन ली। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे हैं, तो यहाँ से भी हमने एक सिलाई ऐसे सीधी सीधी बुननी है, फिर से पूरी सिलाई सीधी सीधी ही बुन के यहाँ पे ख़त्म करनी है। दोनों तरफ से ऐसे ही सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी हैं फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ पे टोटल 10 सिलाइयाँ जो है ऐसे ही सीधी सीधी दोनों साइड से बुननी हैं, यानी यहाँ पर अब हमारी जाली के बाद यहाँ पर 5 लाइनें सीधी पर्ल की आनी चाहिए। जैसे हमारी ये एक लाइन हुई ना, ऐसे ही 5 लाइनें और हमारी यहाँ पे बननी चाहिए। तो यहाँ पर 10 सिलाइयाँ आप यहाँ पे बुन लीजिएगा। इसके बाद जालियां खत्म होने के बाद हमने एक एक सिलाई बुन ली, अब हम दूसरी सिलाई पे हैं। तो इसके बाद हमने 8 सिलाइयां और यहाँ पे सीधी सीधी बुन के ख़त्म करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे 10 सिलाइयां कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए आप ये गिन सकते हैं, यहाँ बीड्स की हमारे पास 5 लाइनें बन के आ गई हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐसे ही 5 लाइनें इधर से हमारी बन के ख़त्म हो गई, यानी 10 लाइनें टोटल हमने यहाँ पे बना ली हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हम इसकी राइट साइड पे हैं
और यहाँ पर पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर सीधा बुनते हुए अभी हमने यहाँ पे 10 फंदे काउंट करके 10 फंदे सीधे बुनने हैं, यानी दो हो गए, एक हमने स्लिप किया और एक सीधा बुना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये टोटल 10 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए, यानी 10 स्टिचेस हमने यहाँ पे काउंट करके बुनने हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 2 का 1 करना है। अब हमने यहाँ पर फंदे घटाना शुरू करने हैं, तो इस तरीके से देखिएगा, ये 2 का हमने अब 1 कर दिया यहाँ पर। अब फिर से हम यहाँ पे 10 स्टिचेस गिनेंगे और यहाँ पर फिर से एक फंदा घटाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर उसके बाद 2 का 1 करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे देखिएगा इस तरह से 2 का 1 करेंगे सीधा बुनते हुए। फिर 10 फंदे यहाँ पे बुनाई करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब फिर से यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर 10 फंदे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर उसके बाद 2 का हम 1 बनाएंगे यहाँ पर। फिर 10 फंदे गिनेंगे, इसी तरह से हम 10 फंदे गिनते हुए 2 का 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कटाई कर ली, यहाँ पे टोटल 6 फंदे जो हैं हमारे कम हुए, तो पहले 76 थे, अब 70 फंदे यहाँ पे हमारे रह गए हैं। तो अब हमने देखिए किस तरीके से करना है कि ये सिलाई जो है, इधर से हमने सीधी सिलाई दी है, सीधी साइड से था ये, तो अब हमने ये सारी सिलाई जो है इसको अब हमने उल्टा उल्टा बुन के खत्म करना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और बाकी फंदों को हम सबको ऐसे उल्टा बुनेंगे। अब ध्यान रखिएगा, अब तक हमने सारे फंदे सीधे सीधे बुने थे ना, अब तक जितनी भी सिलाइयां बुनी वो सीधी सीधी बुनी दोनों तरफ से, लेकिन अब हमने यहाँ पर ये सारी सिलाई जो है ये उल्टी साइड से उल्टी बुननी है और सीधी साइड से सीधी बुननी है। तो ये हमारे टोटल 6 सिलाइयां होनी चाहिए, सीधी साइड से भी 3 बुनेंगे और उल्टी साइड से भी 3 सिलाइयां यहाँ पे बुनेंगे हम। तो इसी तरह से आप ये प्लेन प्लेन बुने। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारी 6 सिलाइयां बना के यहाँ पे खत्म हो गई, हमने सीधा सीधा यहाँ पे अब ये बुना। तो अब हम देखिए आगे हमने कैसे करना है, आगे हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे और यहाँ पर हम सारी सिलाई जो है ये उल्टी उल्टी बुन के खत्म करेंगे, ये सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनेंगे पूरी। तो ये देखिए हमारी सारी सिलाई हमने यहाँ पे उल्टी उल्टी बुन के खत्म की। अब इसकी उल्टी साइड पे आगे हैं फ्रेंड्स, तो उल्टी साइड पे भी ना हमको सारी सिलाई उल्टी उल्टी ही बनानी है। यहाँ पे पहले फंदे को स्लिप करेंगे और आगे हम सारा उल्टा उल्टा बुन के ये खत्म करेंगे। अब ये देखिए उल्टी साइड से भी हमारा उल्टा उल्टा हमने बना लिया। अब हम आ गए हैं सीधी साइड पे, तो सीधी साइड पे भी हमने ये सारा ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टोटल 6 सिलाइयाँ बनानी हैं, 3 सीधी साइड से और 3 उल्टी साइड से, इस तरीके से हमने इसको बना के ख़त्म करना है। तो मैं ये आपको ऐसे बना लेती हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पे जैसे हमने ये बनाया ना, उसके बाद हम ये बना रहे हैं 6 सिलाइयाँ यहाँ पे बना रहे हैं, फिर उसके बाद 6 सिलाइयाँ हम सीधी बनाएंगे, सीधी और उल्टी बनाएंगे, फिर उसके बाद हम 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे और फिर उसके बाद हम 6 सिलाइयाँ सीधी बनाएंगे। तो जब ये सीधी बना लेंगे उसके बाद आप रुक जाइएगा, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। इतना मैं अब आपके ये बुन लेती हूँ, फिर मैं आगे आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि आगे हमने इसका क्या करना है। एक बार ये आपने 3 बार बनाना है और ये आपने 2 बार बनाने हैं। एक बार ये बना लिया, फिर ये बना लिया, फिर उसके बाद ये फिर से बना लिया, फिर उसके बाद ये बना लिया, फिर उसके बाद ये बना लिया। तो इस तरीके से आपने 3 बार प्लेन
और दो बार आपने ये पर्ल्स वाला बनाना है। तो इस तरीके से आप ऐसे छोटे छोटे इस तरह से गैप बना लें इसमें, और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये यहाँ तक बन गया। ये हमने तीन जो इसमें ये लाइनें बनाई हैं, तीन हमने प्लेन बनाई और दो बीच में हमने बीड्स की बनाई। यहाँ पे देखिए छः छः सिलाइयाँ जो हैं हमने यहाँ पे कंप्लीट की, छः इसकी छः इसकी, इसी तरह से हमने ये बनाया। तीन बार हमने इसको ऐसे बनाया। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमने इसकी आगे फ्रिल बनानी है। यहाँ पे हम झालर बनाएंगे तो वो हमने यहाँ पे बनानी है। तो देखिए किस तरीके से बनानी है अब हमने। तो यहाँ पे हम पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनेंगे ऐसे करके, उसके बाद धागा अपनी तरफ को करते हुए यहाँ पर एक ऐसे जाली डालेंगे। इस तरह से घुमा के हम जाली डालेंगे। अब तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, यहाँ पे देखिए एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को किया और एक हमने यहाँ पे ऐसे जाली बना दी सिलाई के ऊपर से घुमा के, क्योंकि उल्टे फंदे के साथ हम यहाँ पे जाली बना रहे हैं। तो इसी तरीके से बनानी होगी हमें। तो अब हम तीन फंदे यहाँ पे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन, फिर धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बुना, फिर यहाँ पे एक हमने ऐसे जाली बनाई, फिर तीन फंदे उल्टे, दो तीन, फिर धागा पीछे किया, एक फंदा यहाँ पे सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ को किया, एक यहाँ पे जाली बनाई। हर सीधे फंदे के बाद आपको जाली बनानी है यहाँ पे। अब तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे, एक यहाँ पर ऐसे लपेटेंगे ऊपर से, उसके बाद तीन फंदे उल्टे बुनेंगे तीन, उसके बाद धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ को, एक यहाँ जाली बनाएंगे इस तरीके से, और आगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप इसको बनाते जाएं। अब जैसे हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरह से हमने इसको एंड तक इसी तरह से पूरी सिलाई पे बनाना है। तो देखिए अब हमारा ये कंप्लीट हुआ इस तरफ से। अब हम आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे। तो यहाँ पे उल्टी साइड पे फ्रेंड्स देखिएगा हमने किस तरीके से यहाँ पे बनाना है। ये पहला फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे, उसके बाद ये फंदा पीछे सीधा था ना, इस साइड को जो फंदा सीधा है वो इस तरफ को उल्टा हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये बना दिया। उसके बाद जो आगे इधर को तीन फंदे उल्टे हैं ना सीधी साइड को, उनको हम इस तरफ से सीधा बुनेंगे ऐसे करके। ये तीन फंदे हमारे उल्टी साइड पे सीधे हो गए। अब धागे को अपनी तरफ करना है, जो जाली वाला फंदा है उसको हमने उल्टा बुनना है, और उसके साथ एक सीधा फंदा था उसको भी हमने उल्टी साइड से, बैक साइड से, यानी रोंग साइड से उल्टा ही बुनना है। अब धागा पीछे करना है, तीन फंदे सीधे और दो फंदे आगे उल्टे, इसी तरह से हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है। धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, दो ये तीन, और ये दो फंदे उल्टे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी उल्टी साइड से सिलाई खत्म हो गई। अब हम फिर सीधी साइड पे आ गए हैं इसमें। तो अब देखिए हमने इसको कैसे बनाना है। पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक फंदा स्लिप किया था और एक फंदा यहाँ पे सीधा बुना था। अब हम यहाँ पे ये तीन फंदे जो हैं इनको सीधा बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये पहले फंदे को ऐसे स्लिप कर दिया, आप इसको बुन भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये दो फंदे हमने सीधे बुने, फिर अब हम यहाँ पे धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर ऐसे लपेट के जाली डालेंगे और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। ये तीन फंदे उल्टे, जो पहले उल्टे बुने थे वो अभी भी हमने उल्टे ही बुनने हैं। अब धागे को पीछे करना है, दो फंदे सीधे, एक और ये दो। अब फिर हम यहाँ पे जाली डालेंगे और आगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। तीन फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, एक यहाँ पे जाली, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक जाली डाल दी और यहाँ पे तीन फंदे
उल्टे बुन दिए। धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को घुमा के जाली डाल दी। अब तीन फंदे यहाँ पे हम उल्टे बुनेंगे। तीन फंदे उल्टे वैसे ही आते जा रहे हैं जैसे हमने पहले बुने थे। अब धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपने ये जो सिलाई है ना, ऐसे ही आपने ये सारी बुननी है। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से ये सिलाई खत्म हो गई। अब हम आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे। तो उल्टी साइड पे फ्रेंड्स जैसे हमने पहले बुना ना, उसी तरह से हमने अब यहाँ पे भी बुनना है। अब ये देखिए शुरू में हमारे दो फंदे यहाँ पे उल्टे हैं, तो इनको एक को स्लिप किया और ये उल्टा बुन दिया। अब आगे जो है ना हमारे ये तीन फंदे सीधे, जो पहले तीन फंदे सीधे चल रहे थे वो सीधे ही चलेंगे इस बार भी, ठीक है। उसके बाद जाली वाला, अब तीन फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे। इस सिलाई में हमारे तीन फंदे उल्टे हो जाएंगे क्योंकि उस तरफ भी हमारे दो फंदे सीधे हो गए ना और एक जाली का हो गया, तो उल्टी साइड पे तीन सीधे तीन उल्टे इस बार ऐसे चलेंगे। स्टार्टिंग में दो हैं हमारे पास, ये दो फंदे उल्टे हैं, उसके बाद तीन सीधे तीन उल्टे। अब फिर तीन सीधे फंदे हैं यहाँ पे, धागा अपनी तरफ को, जाली वाला फंदा भी आपने उल्टा ही बुनना है और दो फंदे आपके पास और हैं उल्टे, तो यहाँ पर भी तीन उल्टे हो गए। अब यहाँ पर सिंपल है कि तीन सीधे तीन उल्टे, इसी तरह से ये सिलाई जो है आप खत्म करें बना के। अब फ्रेंड्स आगे हम इसकी फिर से सीधी साइड पे, राइट साइड पे, तो देखिए एक फंदे को हम स्लिप करेंगे, उसके बाद अब तीन फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। ये तीन फंदे हमारे पास हो गए सीधे। अब हम धागे को अपनी तरफ को करेंगे और यहाँ पर एक जाली डालेंगे, उसके बाद तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। जो तीन फंदे हमेशा से उल्टे होते आ रहे हैं ना, वही बुनेंगे यहाँ पे। धागा पीछे करेंगे, अब फिर से यहाँ पे देखिए तीन फंदे सीधे बुनेंगे, तीन फंदे सीधे हो गए। अब धागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पर एक जाली डालनी है और आगे तीन फंदे उल्टे। फिर धागे को पीछे करना है, तीन फंदे सीधे बुनने हैं। पहले हमने दो बुने थे ना पिछली बार, इस बार हमारे पास तीन हो गए। अब धागे को अपनी तरफ करें, यहाँ पे जाली डालें, तीन फंदे उल्टे। तो इसी तरह से हमने ये सारी सिलाई जो है ना फ्रेंड्स ऐसे ही खत्म करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा सीधी साइड से खत्म हो गया। अब हम उल्टी साइड पे आ गए हैं फ्रेंड्स। तो उल्टी साइड पे देखिएगा किस तरीके से बनाना है। बनाना सेम वैसे ही है जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं। जो उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे बनाने हैं, जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये एक फंदा स्लिप किया, एक उल्टा बनाया। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, आगे तीन फंदे हमारे सीधे चल रहे हैं। जो शुरू से ही हमारे फंदे सीधे चल रहे हैं उनको हमने सीधा ही बुनना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करेंगे और अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है ये अगले जितने भी चार फंदे हैं हमारे पास, तो चारों को हमने उल्टा बनाना है। जाली वाला फंदा भी हम यहाँ पे उल्टा ही बनाएंगे। तो इस तरह से ये चार फंदे हमारे पास हो गए उल्टे। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे यहाँ पे हो गए सीधे, फिर आगे चार फंदे उल्टे। उसके बाद धागा पीछे, तीन फंदे सीधे। बस इसी तरीके से हमने ये सारी सिलाई जो है ऐसे ही खत्म करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये उल्टी सिलाई जो है वो खत्म हो गई। अब हम सीधी साइड पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे पास अभी तीन जालियां यहाँ पे हो चुकी हैं। अब हमने एक जाली यहाँ पे और डाली है और सेम उसी तरीके से हमने इसको सेम वैसे ही बनाना है जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं। तो चार फंदे सीधे, सेम जैसे उल्टी साइड भी चार फंदे उल्टे थे वो इधर को अब हम हमारे पास सीधे हो गए। चार फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को किया, एक यहाँ पे घुमा के जाली डाली, तीन फंदे उल्टे बना दिए। इसी तरह से आप इस सारी सिलाई को खत्म करें और उल्टी साइड से भी हमने सेम वैसे ही बनाना है। अब हमारे पास यहाँ पे पांच फंदे उल्टे हो जाएंगे और तीन फंदे सीधे होंगे उधर को। तो इसी तरह से आप ये सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई ये दोनों बुन लें, फिर हम आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारे पास यहाँ पे हो गई चार चार जालियाँ, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इतनी ही हमें फ्रिल चाहिए। अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप एक दो जालियाँ और डाल सकते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पे बहुत छोटे बेबी के लिए बना रही हूँ तो इसका इतना ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने इन सारे फंदों को यहाँ पे बाइंड ऑफ करना है, यानी इन सब फंदों को अब हमने यहाँ पे बंद कर देना है। तो देखिए किस तरीके से हमने दो फंदों को एक साथ लिया यहाँ पर, उसके बाद इस फंदे को भी इसके साथ हमने यहाँ पे ले लिया, फिर दोनों को एक साथ ऐसे बंद कर दिया, फिर इस फंदे को ऐसे लिया, इसके साथ ही हम इसको भी ऐसे बंद कर देंगे, फिर से हम इस फंदे को ही इसी सिलाई पे ले लेंगे और दो का यहाँ पे एक कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम इनको बनाते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारे फंदे ऐसे वाइंड ऑफ हो जाएंगे। आप भी इसी तरह से बंद कर लें फ्रेंड्स ये सारे फंदे। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी फ्रिल जो है बन गई, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये, इस तरह से ये बन गई। तो अब हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से ऊपर से इसकी सिलाई कर देनी है एक साथ रखते हुए, और इसको जहाँ तक हमारी ये जाली जा रही है उस जाली तक हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर देना है यहाँ से ऊपर से। इसके आगे हमने इसको स्टिच नहीं करना, बस यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो हमारे ये जो हमने ये बनाए हैं ना, ये वाले स्टेप जो बनाए हैं उल्टे और सीधे फंदों वाले, इनको आपस में मिला लीजिएगा यहाँ से, और फिर उस तरीके से हमने इसको यहाँ पर स्टिच कर देना है उल्टी साइड से। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से हमने इसको ऐसे पकड़ते हुए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया स्टिच यहाँ पे देखिए इस तरह से, और ये है सीधी साइड से, ये देखिए इस तरीके से ये स्टिच हो गया। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं, तो वो फंदे हमने कहाँ से शुरू करने हैं, जो हमारी ये फ्रिल बनी है ना, फ्रिल के बगल से हम यहाँ से फंदे उठाएंगे और दूसरी फ्रिल तक हम यहाँ तक फंदे उठाएंगे दूसरे कोने तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने धागे को यहाँ पे बांध दिया है, और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से फंदे उठाना शुरू करेंगे, ये ऐसे करके सीधी साइड से हम इस तरह से फंदे उठाएंगे इस तरीके से। तो ये फंदे हम एक साइड से लेके दूसरी तरफ तक हम इन फंदों को ऐसे ही उठाते जाएंगे इस तरीके से। आप भी इस तरीके से फंदे उठाएं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे फंदे उठा लिए ये देखिए। और अगर आपने फ्रेंड्स ये गले को जो बांधने वाली स्टेप्स होती है ना वो आगे अगर बनानी है तो यहाँ पे आप आगे फंदे डाल सकते हैं, जो कि जिनको कि आप सिलाई पे ऐसे ही आगे को बढ़ा सकते हैं फंदों को। और मैं यहाँ पे अलग से बनाऊंगी, इस पट्टी के ऊपर से बनाऊंगी आगे, तो वो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। लेकिन अगर आपने साथ में ही बनाना है तो आप यहाँ पे फंदे और यहाँ 50 के करीब फंदे और यहाँ पे डाल लें जो बढ़ा के ऊपर से अलग से, तो वो आप साथ में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बना के दिखा रही हूँ। अब देखिए ये उल्टी साइड पर हम इसको बनाना शुरू करेंगे, सीधी साइड से हमने फंदे डाले हैं तो उल्टी साइड से हम इनको उल्टा उल्टा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इनको बनाना है उल्टी साइड से, उल्टी सिलाई पूरी सिलाई हमने उल्टी करनी है। ये मैंने 43 फंदे यहाँ से उठाए हैं और साथ साथ ही मैंने ये फंदे उठाए हैं, ज़्यादा दूर दूर नहीं उठाए, पास पास ही मैंने ये सारे फंदे उठाए हैं। और जो आगे की स्टेप्स हैं जो कॉर्ड बनानी है वो मैं आगे से बाद में इसके ये पट्टी बनाने के बाद मैं उसको आगे बताऊंगी आपको कि वो हमने कैसे बनानी है। तो ये बैक की पट्टी है जो गर्दन के पास आएगी पीछे। अब लास्ट तक हमने इस उल्टी सिलाई को बुन लिया, अब सीधी साइड से भी हमने ये सिलाई जो है इसको उल्टा उल्टा ही बुनना है, ये देखिए। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने ये सिलाइयाँ जो है ना यहाँ पे 8 सिलाइयाँ हमने टोटल बुननी है, 4 सीधी और 4 उल्टी सिलाइयाँ यहाँ पे। तो ये हमारी सीधी साइड से पहली सिलाई है और उल्टी साइड से एक सिलाई हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बुननी हैं उल्टी उल्टी दोनों तरफ से।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से इसको ये बैक वाली जो पट्टी है इसकी ये बना ली गर्दन वाली। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये फंदा जो है अभी यहाँ पे धागा कट नहीं किया है, तो जो हमने आगे की स्ट्रैप बनानी है ना, यहाँ पे जो कॉर्ड बनानी है गले में बांधने के लिए स्ट्रैप बनानी है आगे को, तो वो मैं इस तरीके से यहाँ पे बताऊंगी आपको। तो ये जो एक फंदा मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है ना, यहाँ से एक फंदा ये है और दो फंदे हम यहाँ से और उठा लेंगे इसी तरह से। यहाँ पे तीन फंदे हमें चाहिए, तो ये तीन फंदे मैंने यहाँ पे बना लेने हैं। ये यहाँ से ही मैंने ये तीन फंदे यहाँ पे ले लिए, हमें इसके लिए तीन फंदे ही चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए, इस यहाँ पे मैंने सिलाई ली है, ये जो दोनों तरफ से रहती है ना निटिंग के लिए, जो गले की सिलाई होती है ना वो वाली मैंने यहाँ पे ली हुई है। अब ये सिलाई से हमने यहाँ पर ये फंदे हम यहाँ पे बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये, अभी मैं इस साइड को देखिए, हमारा धागा इस तरफ को है ना, तो वैसे तो हम जब बनाते हैं तो ऐसे घुमा के बनाते हैं, लेकिन अभी हमने कैसे बनाना है कि इसको हमने इधर को कर लेना है सिलाई को, और ये दूसरी सिलाई भी हमने सेम इसी तरीके की ली है जो दोनों तरफ से ऐसे निटिंग करने वाली जो होती है। तो इस धागे को हम यहीं पे रखेंगे इसी साइड पे और सिलाई को ही अपनी आगे पीछे कर लेंगे। तो हमने इसको सीधा सीधा बुनना है। इस धागे को देखिए, इधर को ऐसे लेके आएंगे और इन तीन फंदों को ही हम यहाँ पे इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। आप चाहें तो यही पट्टी मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि इन्हीं फंदों को आप आगे बढ़ा लें, और जैसे हमने इसको बुना उसको भी आप ऐसे ही बुन सकते हैं। 5 से 6 इंच लंबा आप कर सकते हैं 55 या 50 फंदे आगे रख के। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सी यहाँ पे बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से है। अब धागा हमारा फिर इस साइड को चला गया ना, तो हमने इसको ऐसे घुमाना नहीं है, बस इस सिलाई को हमने इस तरफ को कर देना है, और इन्हीं को ही हमने, इन तीन फंदों को हमने सीधा ही बुनना है, हर बार सीधी साइड से ही बुनना है, घुमाना नहीं है सिलाई को दूसरी साइड से, उल्टी साइड से हमने इसको नहीं बुनना, बस सीधी साइड से ही हमने इसको बुनना है। तो ऐसे बुनते चले जाएंगे ना, तो इस तरीके से ऐसे करेंगे तो ये इधर को आ जाएगा। अब धागा हमारा वही है, इसको वही रहने दें, ये अपने आप ही इस तरह से जैसे आप बुनेंगे तो आपका इस तरफ को ये आ जाएगा इस तरीके से। तो हमने इनको ऐसे ही बुनते चले जाना है। ये मैंने अभी आपको, जो अगर आपने मेरी ये बूटी वाली वीडियो देखी होगी ना, जो इसके ये स्वेटर के साथ के बना रही हूँ, इसके साथ के जो सेट के साथ के जो बूटी बनाई थी मैंने, अभी एक दिन पहले ही अपलोड की है मैंने वीडियो, जो अपनी मेरी लास्ट वीडियो थी उस पर, तो आप देखेंगे तो उस पर भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया है इस तरीके से डोरी हम कैसे बनाएंगे गले के लिए, स्ट्रैप कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसको हम फिर इधर को कर लेंगे और इसको हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे 6 इंच बुनना है मैंने इसको, तो मैं ऐसे बुन लेती हूँ, फिर एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ कि कैसा हमारा ये टोपा लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, जितना स्ट्रैप मुझे चाहिए ये बन गया है, ये 6 और 7 के बीच में, 6-7 इंच का ये बनाना है हमने। तो अब हमने इसको बंद कर देना है। तो देखिए, ये जो तीन फंदे हैं ना, इन तीनों को आपने ऐसे कट्ठे ले लेना है और यहाँ से इसको इस तरीके से बंद कर देना है, ठीक है। अब एक बार जो है ना, इस फंदे को हम और यहाँ पे बुन लेंगे और इसका सिंगल ऐसे बना देंगे। तो अब थोड़ा सा, इतना सा धागा जो है लंबा यहाँ पे कट करेंगे हम, इस तरह से। और अब हम इसको ऐसे निकाल देंगे और ये जो धागा है इसको सुई में डालेंगे यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे सुई में डाल दिया। और इसके बाद ना, हम इसको यहाँ से, इस जो ये कॉर्ड बनाई है हमने, इसके अंदर से हमने इसको इस तरह से अंदर अंदर से ही हमने इसको ऐसे ले जाना है और थोड़ा सा दूर जाके इसको ऐसे खींच देना है इस तरह से। और यहां से अब हमने इसको कट कर देना है, ऐसे अच्छी तरह से सेट कर दें इस तरीके से। और फिर इसको हमने यहां से, जो ये वाली है ना, यहां से हमने इसको कट कर देना है। तो बिल्कुल यहां से ये अंदर बंद हो जाता है और ये ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहती है। ये बच्चे के गले में भी ऐसे चुभेगी नहीं, और बहुत ही ज्यादा मुलायम है ये। ये देखिए इस तरह से। तो आप भी इस तरह से बना के देखें एक बार। और यहां से भी मैं इसी तरह से फंदा उठाऊंगी, तीन फंदे यहां से उठाऊंगी और इसी तरीके से मैं इस साइड से भी इसको बना लूंगी। तो आपको जैसे पसंद हो फ्रेंड्स, आप वैसे बना सकते हैं। और ये मैं अब आके
एक बार यहाँ से बना लेती हूँ इसको, फिर आगे आपके साथ इसी तरीके से शेयर कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये टोपी जो है वो रेडी हो गई, और ये मैंने यहाँ पे इसके लिए आगे स्ट्रैप बना दिए बांधने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।